हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुल बॉय कुलबीर में। आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। ये 15 प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है हमारी। अगर आपने अभी तक पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही इनकी PDF अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर कूल बॉय कुलबीर आप टेलीग्राम में लिख के सर्च कर सकते हैं, हमारा ही ग्रुप आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि हो सकता है एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो जाए जो कि जल्दबाजी में करवाया जाए या फिर कोई मिस्टेक हो, तो वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। सबसे पहला क्वेश्चन, हेलोजन तत्वों की सक्रियता का सही क्रम कौन सा है? तो इनका जो सही क्रम है कौन सा है, ऑप्शन ए वाला इनका जो है वो सही क्रम है। ठीक है, जो MN है इसकी सर्वाधिक स्थायी अवस्था कौन सी होती है? तो इसकी सर्वाधिक स्थायी अवस्था होती है ऑप्शन सेकंड। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन है दोस्तों, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन जो लगभग आने वाले हैं। हमने अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट आपके लिए अवेलेबल कराए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी ऐसे ही कराते रहेंगे। ठीक है, XEF6 की आकृति क्या होगी? तो इसकी जो आकृति होनी है वो होनी आपकी पंचभूमीय पिरामिडीय। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। गुणसूत्र बने होते हैं, तो गुणसूत्र आपको पता है किस चीज़ के, DNA के भी, RNA के भी और प्लस प्रोटीन के। ठीक है, मानव शरीर में जो है वो 23 जोड़ी गुणसूत्र। ठीक है, कुल 46 हो जाएंगे, 23 जोड़ी करने का मतलब एक जोड़ी में दो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक बीजपत्री बीज का उदाहरण कौन सा है? तो ये है गेहूँ। ठीक है, बीजपत्री का मतलब क्या होता है, ऐसे बीज जिसमें एक बीज पत्र ही पाया जाता है उनको बोलते हैं एक बीज पत्री। ठीक है, इनका जो बीजावरण होता है वो फल विधि से जुड़ा होता है, जैसे गेहूं है, मक्का है, चावल है। ठीक है, और जिसमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं उनको द्विबीज पत्री बोलते हैं। ठीक है, जैसे चना, मटर, सेम, मूंग, अरहर। ठीक है, उसके बाद एक अणु के टूटने से KCl ऊर्जा निकलती है, कैसे निकलती है? 7.3 के कैलोरी। ठीक है, चुकंदर में कौन सा वर्णक पाया जाता है, जो पिगमेंट बोलते हैं जिसको, तो कौन सा पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है। ठीक है, बच्चों में जड़वामकता रोग का कारण है, जिसको क्रिटिनिज्म बोलते हैं, तो क्या कारण है, थायरॉक्सिन की कमी और पीयूष ग्रंथि की कम सक्रियता, दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद सबसे अधिक सफ़ेद वालू अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये आपका है कहाँ पे, दत्तीग्राम अभ्यारण्य। ठीक है, 9 का हो जाएगा बी, जो कि कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के अंदर है, ये भी याद रखना है। विटामिन ए का संश्लेषण तथा विटामिन ए, सी और डी का संचय शरीर की किस ग्रंथि में होता है? तो ये होता है दोस्तों यकृत में। ठीक है, 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य का देश में स्थान है, कौन सा स्थान है, 16वां। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कुल कितनी धाराएं व अध्याय हैं? तो इसमें हैं कुल 167 तो धाराएं हैं और 11 जो हैं वो अध्याय हैं। ठीक है, आधुनिक कुरुक्षेत्र का वास्तुकार था कौन था, श्री गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, गुलजारीलाल नंदा। उसके बाद डेरा बालकनाथ का मेला राज्य में कहाँ भरता है? तो बालकनाथ का मेला भरता है आपका रबड़ा, सोनीपत के अंदर। ठीक है, वर्ष 2019 में पहली बार देश से बाहर गीता जयंती का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था आपका मॉरिशस में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मार्शल आर्ट व लोक कला महोत्सव का आयोजन राज्य में कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका गुरुग्राम के अंदर। ओम नमो भगवते वासुदेव वासुदेवाय प्रसिद्ध भजन के गायक हरियाणवी व्यक्ति हैं, कौन है?
ये हैं पंडित जसराज जो कि हिसार से हैं, ठीक है। श्री उदयभानु हंस का प्रसिद्ध महाकाव्य संत सिवाही किसकी जीवनी पर आधारित है? तो ये आधारित है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की जीवनी पर, ठीक है। मृदभांड के लिए राज्य का प्रसिद्ध जिला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए भिवानी। राज्य के किस जिले में गांवों के ज़्यादातर नाम शास्त्रीय रागों व मसालों पर हैं? तो किसके हैं? चरखी दादरी के, ठीक है। राज्य में अंग्रेजों के समय का प्राचीन जालान क्षेत्र अस्पताल कहाँ स्थित है? जालान, ये आपने सुना भी होगा, यहाँ पे आई स्पेशल है ये नेत्रों के लिए, ठीक है। तो ये भिवानी के अंदर है जालान, ठीक है। राज्य का प्रथम कन्या गुरुकुल स्थापित किया गया था, कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया खानपुर कला सोनीपत में। राज्य में फ्लावरमैन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? ये है आपके डॉक्टर रामजी जैमल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जाट शिक्षण संस्थान सोनीपत के संस्थापक कौन है? ये है चौधरी टिक्काराम, ठीक है, जाट शिक्षण के। महाभारत काल के मिट्टी के बर्तन मिले हैं कहाँ से? मिले हैं खेड़ी गुजर सोनीपत से। जट्टू हरियाणवी राज्य के किस क्षेत्र की प्रमुख भाषा है? तो ये है झज्जर जिले की, ठीक है। सनातन धर्म की प्रथम शाखा 1886 में सर्वप्रथम राज्य के किस जिले में स्थापित की गई थी? ये की गई थी 1886 में झज्जर में, ठीक है। अप्रैल 1955 में प्रदेश सीमा निर्धारण आयोग का आगमन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ये हुआ रोहतक के अंदर, ठीक है। उसके बाद शतरंज की राष्ट्रीय प्लेयर अनुराधा बेनीवाल जो कि महम रोहतक से हैं, इनका कविता संग्रह क्या है? तो इनका कविता संग्रह है आज़ादी ब्रांड, ठीक है। नब हाउस कुरुक्षेत्र का निर्माता कौन है? तो इनके निर्माता हैं महाराजा हीरा सिंह, ठीक है। राजा हर्षवर्धन का प्रमुख सेनापति था? तो हर्षवर्धन का जो प्रमुख सेनापति था वो था सिंहनाद। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। शब्द के पूर्व भाग में लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? पूर्व भाग में जो लगता है उसको बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है, और बाद में लगता है उसको बोलते हैं प्रत्यय, ये याद रखना है। सर्वप्रथम रस का विवेचन नाट्यशास्त्र से प्राप्त होता है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी भरतमुनि ने, ठीक है। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखिए यमक अलंकार आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक जैसे दो शब्दों का वाक्य के आधार पर दो अर्थ होते हैं वह यमक अलंकार होता है, ठीक है। जैसे पीर जो यहाँ पे भगवान अल्लाह के लिए दयालु व्यक्ति उसके लिए, और एक पीर है पीड़ा या दुख के लिए, ठीक है। उसके बाद है द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में आती है जिसमें दो क्रम पाए जाते हैं दोस्तों? तो देखिए ये हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन, माला ने मोहन को, तो दो क्रम हो गए ना ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी ये वाला। उसके बाद दोपहर तक धूप निकल सकती है इसमें कौन सा काल है? संदेह है, तो इसमें हो जाएगा आपका संभाव भविष्य काल, ठीक है। निम्नलिखित किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय लगे हैं? तो ये लगे हैं सच्चरित्रता, सत्य जमा चरित्रता। उसके बाद है निम्नलिखित में से चांदी का पर्याय नहीं है, तो जो हिरण्य है ये चांदी का नहीं है, बाकी इस रजत रूपक चंद्रहास तीनों चांदी के। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, तो जो बरसात है ये तत्सम नहीं है, बाकी कर्ण वनिक अमृत सारे तत्सम है, सेम के सेम संस्कृत से हिंदी में लिए गए हैं, ठीक है। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो विशेषण की होती हैं तीन होती हैं दोस्तों, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ठीक है।
जैसे अच्छा, बेहतर, बेहतरीन, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो जो भारत का प्रधानमंत्री है वो नियुक्ति से बनाया जाता है, ठीक है, याद रखना है। और अनुच्छेद आता है 75(1), ठीक है। और राष्ट्रपति जो इसकी नियुक्ति करता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई है? तो ये है आपका 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता उस दल को दी जाती है जिसको 4 या अधिक राज्यों में कितने प्रतिशत मत हो, तो ये होता है जिसको 6% मत प्राप्त हो, ठीक है। संसार में पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश में बनी थी? तो ये बनी थी आपकी श्रीलंका में, ठीक है। कौन बनी थी? श्री मावो भंडार नाइके, ठीक है। 1960 से 1965 तक ये जो वहाँ की प्रधानमंत्री रही थी। झीलों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी, ठीक है। भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम राजस्थान। स्पाइडरमैन कॉमिक चरित्र का रचनाकार है कौन? है स्टेनली। भारत में पश्चिम बंगाल एंग्लो इंडियन किस राज्य में रहते हैं? ये रहते हैं पश्चिम बंगाल, सॉरी, भारत में सर्वाधिक एंग्लो इंडियन तो पश्चिम बंगाल में ये रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है बारकोड स्कैनर की खोज किस व्यक्ति ने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये की थी दोस्तों जॉय वुडलैंड ने, ठीक है, 1974 में की थी। और जो निक आपको सेकंड ऑप्शन दिखा रहा है ये किससे संबंधित है? एलईडी का आविष्कार किया था इन्होंने, ठीक है। इंडिया हाउस की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? तो इंडिया हाउस की थी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, ठीक है, 1905 में की थी। भारत का मानचित्र सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने तैयार किया था? तो ये किया था एनाविले ने, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर हैं कौन? है सलीम दुर्रानी, ठीक है, सलीम दुर्रानी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में हुई थी। भारत में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका केरल, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है। जिम्मेदार गैस कौन सी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसके लिए पानी का अणुभार कितना होता है? इसका अणुभार होता है दोस्तों 18 AMU, ठीक है। चट्टानों में संकुचन व फैलाव करने वाली भूकंप तरंगे कहलाती हैं, कौन सी कहलाती हैं? पी तरंगे, ठीक है। आकाश में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके पक्षाभ, ठीक है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? जब उड़ रहा है तो उसमें होती है दोस्तों कौन सी ऊर्जा? गतिज भी और स्थितिज भी, दोनों ही होती हैं, ठीक है। मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो मानव भूगोल के जनक है फ्रेडरिक रेटचेल, ठीक है। देश की प्रथम ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म कौन सी थी? देश की पूछा इन्होंने, तो देश की थी दोस्तों राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। पशुओं के दूध में वसा की मात्रा किस मौसम में कम हो जाती है? तो वसा की मात्रा जो है वो गर्म वर्षा ऋतु में उनमें कम हो जाती है दोस्तों। निम्नलिखित में से ऊर्जा का अनवीकरणीय या परंपरागत स्रोत है, तो कौन सा हो जाएगा इनमें से? मृदा, ठीक है। शांत घाटी आंदोलन का संबंध किस व्यक्ति से? शांत घाटी का संबंध है दोस्तों गोपेश्वर से, ठीक है, जो कि चमोली जिला उत्तराखंड व केरल के सदाबहार वनों को बचाने के लिए शांत घाटी आंदोलन चलाए करते हैं, ठीक है। कुल्लड़ सिंचाई प्रणाली देश के किस राज्य में प्रसिद्ध है? कुल्लड़, तो ये आपकी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर। बाद में सर्वाधिक चकबंदी कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी आपकी बड़ौदा के अंदर। एक उपकरण जो कंप्यूटर जनित फाइल में वास्तविक चित्रों एवं दस्तावेजों को स्थानांतरित करता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलेंगे दोस्तों स्कैनर। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, क्या कार्य नहीं है? वायरस मैनेजमेंट करना, ठीक है।
कौन सा उपकरण इनपुट के साथ साथ आउटपुट उपकरण भी है, तो इनमें से जो ऑप्शन आपको दे रखा है टच स्क्रीन दोनों है इनपुट और आउटपुट। ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए सबसे पहले करना होगा क्या करना होगा, लॉगिन। ठीक है, एचटीएमएल टैग्स लिखने में किसका प्रयोग करते हैं, तो एचटीएमएल आपने देखा होगा ऑप्शन डी जो है ऐसे टैग लगाते हैं। ठीक है, एक्सएमएल फाइल का मुख्य लाभ यह है, क्या लाभ है, दो पूर्ण रूप से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर डेटा शेयर कर सकती है। ठीक है, मूल्यह्रास से संबंधित है, क्या संबंधित है, सभी अचल ठोस संपत्ति। ठीक है, नई खोज के कारण संपत्ति के मूल्य में कमी आना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अप्रचलन। ठीक है, चूज द अपोजिट वर्ड टू द गिवन वर्ड प्रूडेंट, इसका अपोजिट आपने बताना है क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नॉट फेयर। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी अनवाइज। ठीक है, चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, जो करेक्टली स्पेल्ट है वो आपने बताना है, तो ऑप्शन बी जो जी वाई एन ए ई सी ओ एल ओ जी वाई। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। चूज द सिनोनियम आपने बताना है द गिवन सेंटेंस पेनेसिया का, तो क्या आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा ऑप्शन डी क्योर ऑल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम। ठीक है, पेनेसिया का। उसके बाद इन द सेंटेंस गिवन बिलो चूज पार्ट विच कंटेन एरर, जिसमें एरर है वो आपने बताना है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे देखिए ए बी सी कम्प्लीटली से पहले क्या यूज करेंगे, फाइन करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट प्रोबेबल अल्टरनेट, यू मस्ट डैश हेल्प टू द पीपल हिट बाय द साइक्लोन, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा रेंडर। ठीक है, रेंडर का क्या मतलब होता है, गिव समबडी समथिंग और गिव और टू गिव अप। ठीक है, उसके बाद गणतंत्र परेड 2021 के मुख्य अतिथि भारतीय मूल के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश से संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं दोस्तों कहाँ से, वियतनाम से। ठीक है, उसके बाद छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से 18वें पर है, यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हो तो राम बाएं से कौन सा हो जाएगा, तो इसकी डायरेक्ट्रिक होती है 50 में से 18 घटा के एक जोड़ दीजिए, 50 माइनस 18 जमा एक क्या हो जाएगा। ठीक है, 50 में से 18 गए 32 और एक जोड़ देंगे 33 हो जाएगा। ठीक है, पी क्या आर एस कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, पी आर और एस क्या जोड़ीदार हैं, एस जो है आर के दाहिने ओर बैठे है, ये मान लीजिए ये आर है तो एस यहाँ पे बैठा है। ठीक है, अच्छा जोड़ीदार है, यदि आर का चेहरा पश्चिम की ओर है, ये सबसे पहले होती हैं दिशाएं एन ई डब्लू एस। ठीक है, अब जो है आर का चेहरा कह रहा है इस तरफ हो, ये हो गया आर। ठीक है, तो इसका जोड़ीदार है तो वो इसके सामने होगा, वैसे भी इन्होंने दाहिने ओर कहा था आर एस हो जाएगा। एस जो है आर के दाहिने ओर। ठीक है, यदि आर का चेहरा पश्चिम की ओर है तो क्या का चेहरा कहाँ होगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी आर और
एस क्याऊ जोड़ीदार है, यहाँ पे पी हो गया। ठीक, तो क्याऊ का चेहरा कहाँ पे हुआ? उत्तर में हुआ, ये इधर देख रहा है ना, तो किस में होगा? उत्तर में। उसके बाद इनको सार्थक क्रम में लिखना है, उपन्यास लेखक पुरस्कार कथानक प्रकाशित। तो इसका जो सही क्रम आ जाएगा कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले लेखक, फिर कथानक, फिर उपन्यास, फिर प्रकाशित, और फिर लास्ट में क्या मिलेगा? पुरस्कार। ठीक है, यदि पी का अर्थ भाग क्याउ का अर्थ गुना, तो इसको सोल्व करके देख लीजिए आप, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्याउ का मतलब क्या हो गया? गुना हो गई। पी का मतलब दे दिया इन्होंने भाग, ठीक है, और आर का मतलब दे दिया प्लस, ठीक है, और एस का मतलब दे दिया इन्होंने माइनस। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले गुणा करेंगे, सॉरी सबसे पहले भाग करेंगे, चाहते 12, तो ये आ जाएगा आपका, सोल्व करोगे तो 53 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। 879 को 8, 625 को 1, 586 को 9, तो 785 को क्या लिखेंगे? 84 का देखिए, जो 879 है कैसे क्या इन्होंने सोल्व, देखिए इसमें 7 और 9 कितने, जो लास्ट के दो वर्ड हैं 7 और 9 16, 16 में से पहले वाला घटा दिया 8, 8 हो गए। 5 और 2 7, 7 में से 6 घटा दिया 1, 8 और 6 14, 14 में से 5 गए 9, 8 और 5 13, 13 में से 7 गए 6, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक पार्टी में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया, प्रत्येक व्यक्ति ने एक दूसरे का हाथ मिलाया, तो पार्टी में कुल कितनी बार हाथ मिले? इसका फार्मूला होता है दोस्तों एक, एन इंटू में एन माइनस वन बाय में टू। ठीक है, एन जो है वो हाथों की संख्या, सॉरी व्यक्तियों की संख्या है कितनी बार है, तो यहाँ पे देखिए 10 गुणा में 10 घटाए कितना होता है 9, और बटे में 2, 2 से 5, 9 5 45 आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखला में 9 का अंक कितनी बार आया जिसके बाद 1 है? तो देखिए यहाँ पे एक तो ये हो गया, लेकिन पहले 8 का अंक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे 8 का अंक हो गया, 9 के बाद एक, एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, दो, एक ये हो गया, तीन, एक ये हो गया, चार, तो 4 आ जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन सी 4। ठीक है, उसके बाद जो 87 है इसमें विलुप्त आपने बतानी है, तो क्या हो जाएगा? 7 के बाद 16 है, जैसे तो 7 गुणा 2 जमा 2 कितना हो गया? 16। ठीक है, फिर 16 गुणा 2 जमा कितना हो जाएगा? 2, 34, 34 गुणा 2 68 जमा 2 कितना हो जाएगा? 70, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए, स्त्री माँ बहन तीनों ही क्या हैं? स्त्री हैं, तो स्त्री के अंदर क्या आ जाएगा? माँ और बहन। तो जो 88 का ऑप्शन सी है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10:20 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 11/ घटा में 30 H, 11/2 m घटा 30 H, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो 11/2 कर दिया हमने, गुणा में h आवर, गुणा में m मिनट पूछा इन्होंने, तो गुणा में मिनट कर दी 20, और घटा में 30 H कितना दे रखा इन्होंने? h दे रखा है यहाँ पे 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करने हैं, 2 से 10 पे 110 घटा में 300, तो 300 में से 110 घटा देंगे, 190 डिग्री जो है वो आपका कोण आ जाएगा। ठीक है, चूंकि घंटे मिनट की सुई
के बीच 180 डिग्री से ज़्यादा कोण नहीं बनता तो ये 360 में से घट जाएगा। 360 में से इसको घटाएंगे 190 को तो ये आ जाएगा 170। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तीन व चार के बीच घड़ी की सुइयों कब संपत्ति होंगी? तो ये होंगी आपकी कब, इसकी एक ट्रिक होती है दोस्तों। पहला समय गुणा में 60/11। ठीक है, पहला समय कौन सा, यानी तीन और चार में से तो पहला है तीन। पहला समय गुणा में 60/11। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये इसको सोल्व करने 60 / 180/11 तो 3:180/11 मिनट हो जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट मेथड है ये। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है साइन 30 इंटू कोस 45 अपॉन है 10/60। ठीक है, तो इनकी वैल्यू जो आप रख लीजिए, साइन 30 होती है 1/2 इंटू में कोस 45 होता है आपका 1/√2 और अपॉन में 10/60 होता है आपका कितना, √3। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, √6/12 सोल्व करने के बाद। ठीक है, तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, सोल्व आप करके देख लीजिए। ठीक है, ज़्यादा समय लग जाएगा सोल्व करवाएंगे तो। 5 A/B एक टैंक को 10 घंटे 15 में दोनों एक साथ तो 10 ले लीजिए 15 ले लीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 10 + 30 = 15 × 2 = 30, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, 5 टोटल काम है 30, तो 30/5 हो गया, 5 से 6 पे 6 आ गया इसका उत्तर। ठीक है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है, 8 वर्ष के बाद उसकी आयु उसकी माता की आधी होगी, तो उसकी माता की वर्तमान आयु अपने बतानी है। मान लीजिए माता की वर्तमान आयु x है। ठीक है, x मान के ले लेते हैं हम, x मान लिया, तो व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, उसकी माता का 2/5 भाग है तो 2/5 x होगी। ठीक है, फिर क्या कहता है प्रश्न अनुसार, 8 वर्ष के बाद उसकी आयु उसकी माता की आधी होगी, यानी कि 1/2 होगी किसकी, उसकी आयु थी प्लस उसकी ये 8 वर्ष के बाद। ठीक है, माता की एक्स माननी थी तो 8 उसमें जोड़ दिए, 8 साल हो गए, तो ठीक है किसके बराबर हो जाएगी ये 2/5 भाग ऑफ है, तो 8 साल इसमें भी जुड़ेंगे एक्स प्लस है 8। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व कर लेना, यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितनी आएगी, x = 40 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, रूट में 1 - sin a अपॉन में 1 + sin a, तो इसको सोल्व करेंगे, रैशनलाइज करके करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 - sin a, ठीक है, इनटू में हो जाएगा 1 - sin a और अपॉन में हो जाएगा 1 + sin a इनटू में 1 - sin a। ठीक है, रैशनलाइज किया हमने ये, ठीक है, ये था ऊपर नीचे माइनस से गुना होगी इसकी, नीचे प्लस था तो ऊपर नीचे किससे होगी, माइनस से, ये हो जाएगी। अब इसके बाद इसको करेंगे तो 1 - sin² a बन गया ये। ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा 1 - sin². ठीक है, हो गया। अब यहाँ से देखिए नीचे जो 1 - sin² ये क्या बन गया, cos² बन गया, नीचे cos² बन जाएगा, ऊपर है 1 - sin² अपॉन में cos a। ठीक है, उसके बाद देखिए cos a बनने के बाद तो 1 - sin a अपॉन में cos a बन गया। cos a बनने के बाद क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे 1 / cos a - sin a अपॉन में cos a। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये sin a अपॉन cos a 10 a बन जाएगा, तो
वन माइनस कोस ए माइनस में टेन ए, तो ये इसका जो राइट आंसर वो आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनका योग 420 है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या आपने बतानी इनमें से। तो देखिए, मान लीजिए ये 3x है, ये 4x है, ठीक है, दोनों कितने हो गए 7x, किसके बराबर दे रखा है 420 के, 7x बराबर है 420, तो x की वैल्यू जो है उससे 7 की वैल्यू 60 आ गई, 60 आ गई तो क्या करना, बड़ी संख्या 4 के साथ 4x, तो 4 गुना 60 हो जाएगा 240, ऑप्शन बी। ठीक है, यदि a प्लस 5b बटे 2b है तो इज इक्वल टू a माइनस 2b तथा b है तो माइनस 1 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आप निकाल के देख लीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, b का जो मान है वो माइनस 1 रख दीजिए यहाँ पे पूरी इक्वेशन में। ठीक है, तो इधर से a प्लस 5, यहाँ पे माइनस 1 रख दीजिए, इसकी जगह पे 2 माइनस 1, ठीक है, हो गया, और इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस में है 2, b की जगह रख दिया माइनस 1। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर a माइनस 5 अपॉन में नीचे होगा माइनस का 2, तो इज इक्वल टू होगा a प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस 2 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस का 2। ठीक है, इधर ये माइनस 2 इधर आ गया तो क्या बन गया, ये माइनस का 2a और माइनस का 4। ठीक है, तो 3a इज इक्वल टू हो गया यहाँ से 1, तो a क्या हो गया यहाँ से 1/3, ये इसका उत्तर हो गया। 1/3 को बदलेंगे दशमलव में तो 0.333 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 10 इजिकल टू 0 के दो मूल हैं, तो इन दो मूलों का योग क्या है? इसका फार्मूला था माइनस b बटा a, तो आप यहाँ से द्विघात का फार्मूला जो लगा सकते हैं, इनमें a 1 है, b 19 है, c 10 है, तो माइनस b बटा a इसका फार्मूला होता है, तो माइनस 19 बटा में a कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 19 है, तो ये माइनस का 19 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 19 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जमीन पर एक टावर के शीर्ष पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इसके 20 मीटर निकट जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो टावर की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए, यहाँ पे ये ट्रायंगल आपकी एक टावर है मान लीजिए, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये क्या बोला, उन्नयन कोण 30 डिग्री, ये वाला कोण जो है ये 30 डिग्री है, फिर कहता है कि इसके 20 मीटर निकट जाने पर, 20 मीटर यहाँ आए तो हम यहाँ से यहाँ मान लीजिए ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री हो गया, तो टावर की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है ये वाली, ये आपने निकालनी है एच। ठीक है, तो अब देखिए हम से क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी डी लेंगे पहले, ये हमने पॉइंट मान लिया डी, ये पहले वाली ट्रायंगल लेंगे, ये वाली, तो इसमें देखिए टेन 60 बन रहा है, टेन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ से रूट 3 है, ये इज इक्वल टू एच हो जाएगा, एच बाय एक्स। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, इसको सोल्व करने के बाद जो आपका राइट आंसर आएगा वो 10√3 आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 99 का है, 5 - 7, तो इस क्वेश्चन को सोल्व आप करेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए है ताकि हमें भी पता लगे कि आप वीडियो को पूरा देखते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, 3√27 - √75 + √12 का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 3√27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3√3 लिख सकते हैं,
तीन गुना में रूट तीन, तीन तीन होती है 27, ठीक है, हाँ लिख सकते हैं। उसके बाद है 75 को लिख सकते हैं हम, 5 25 75, ठीक है, प्लस में रूट 12 को क्या लिखते हैं, 2 2 4 3 12, 2 रूट 3, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा, देखिए 3 3 9 9 रूट 3 माइनस 5 रूट 3 प्लस 2 रूट 3, ठीक है। तो ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 और 2 11, 11 में से 5 गए 6 6 रूट 3, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप जितना शेयर करेंगे उतना जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।